हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है गाइस हमारे एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। गाइस आज हम खेलने वाले हैं सुपर मार्केट सिमुलेटर। इसके अंदर गाइस ये होता है, हमें खोलना है गाइस एक नेबरहुड में शॉप। उस शॉप के अंदर हमें सारा सामान रखना है ताकि गाइस नेबरहुड के सारे जो भी व्यक्ति वहां पर रहते हैं वो गाइस हमारी शॉप से गाइस परचेज कर सके। ठीक है गाइस, हमारे पास रहेंगे गाइस $100। बस उन $100 से गाइस हमें इस दुकान की शुरुआत करनी है और गाइस देखना है हम कितने दिन में कितने पैसे इकट्ठे कर पाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं गेम के अंदर और गाइस देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं ये सारा काम और गाइस कितना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं वो भी कितने दिन के अंदर। ठीक है गाइस, हमें बहुत बड़ा, देखो गाइस ये इतनी बड़ी गाइस शॉप हमें बनानी है। अभी गाइस जस्ट हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, उसके बाद में गाइस हम कमरे को करेंगे अपग्रेड, फिर बनाएंगे स्टोरेज। ठीक है गाइस, 2-3 वर्कर्स भी रख सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या होता है गेम के अंदर। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर एक और न्यू गेम सीरीज, जिसके अंदर गाइस हम खेलने वाले हैं सुपर मार्केट सिमुलेटर। ठीक है गाइस, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता गाइस, हम खोलने वाले एक दुकान जो की गाइस होने वाली एक सिटी के अंदर, जहाँ पर गाइस सिर्फ हमारी दुकान है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से हम उसको चला पाते हैं और क्या हम ग्राहकों को परफेक्ट तरीके से गाइस सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं और उन्हें सामान अवेलेबल करवा पाते हैं या नहीं। तो चलो गाइस सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं न्यू गेम। यस ओके भाई, हमको मिले यहाँ पर $100। ठीक है, सुबह के 8 बज रहे, हमें मिले हैं $100। अब ये क्या है, डस्टबिन है ना। ठीक है, और मेरी दुकान क्लोज है और यही है मेरी शॉप। और ये देख लो, मैं आपको कॉलोनी बता देता हूँ। भाई साहब कॉलोनी देख रहे हो गाइस, कितनी भरी भरी है और क्या साफ सफाई है भाई। ये क्या है, ठीक है बढ़िया भाई, कॉलोनी बहुत ही बढ़िया है, एकदम झकास दुकान है। ठीक है, और सुपर प्रोलोग, अरे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, हमारा नाम लिखने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, दुकान का नाम ठीक है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर भी है, इसको देख लेते क्या है ये। ओके, एक्सेस कैसे करूं मैं इसको, इंटरनेट क्या चाहिए तेरे को, इसको ऑपरेट कैसे कर सकता हूँ मैं। ओ आ चुका हूँ मैं जस्ट। ओ ठीक है, मेरे पास है $100 और ये सब चीजें खरीद सकता हूँ मैं। तो $47 का ये है, $17 का ये दे दो मेरे को, सस्ती सस्ती चीज खरीद रहा है इसमें अभी। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, 48 हो चुके हैं। ये तो बहुत महंगा भाई, ये भी बहुत महंगा है, आटा ले लेता हूँ फिर। ठीक है भाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास अभी की सामान खरीदूं। ठीक है, मैंने ऑर्डर तो कर दिया बट ये ऑर्डर करने के बाद सामान आएगा कहाँ। लेवल 1 है गाइस मेरे स्टोर का अभी, इसको ओ ये रहा सामान, आई थिंक यही है। ठीक है, अब पिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको थ्रो करने के लिए जी, और प्लेस करने के लिए मेरे को इसी को प्लेस करना पड़ेगा। बढ़िया है भाई, चलो अच्छी बात। अब ये सामान यहाँ पे रख देते हैं, ये अभी मेरे को सिखा रहा है इसकी दुकान किस तरीके से चलाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है सीखने में। और ये चीजें भी यहाँ पर प्लेस कर देते अपन, और सारी चीज रख देते, पता नहीं क्या, पास्ता, मैंने पास्ता भी बुला लिया अपनी दुकान में। चलो भाई सारी चीजें एक एक करके बुला लेते। ये ब्रेड है भाई, ब्रेड, अरे थोड़ा दूर दूर रखते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा दूर दूर रखते हैं भाई। ये तो ब्रेड खुले दिख रहे हैं फिर वहां पर जाके पॉलीथिन में पैक हो जा रहे, ये तो गलत बात है भाई। चलो जाओ, एक लास्ट चीज बची गाइस अंडे, और टाइम हो चुका है सुबह के 8, अभी तक मैंने दुकान स्टार्ट नहीं करी है बता। सुबह के 8 बजे ही मैंने सारा सामान यहाँ पर जमा दिया, तो मेरे पास गाइस $5 बाकी बचे हैं। अभी $5 से मैं क्या करूंगा मेरे को नहीं पता। अच्छा, इनका प्राइस भी सेट करना पड़ेगा, 2.48 में ये मिलता है, 4.5 में मिलता है क्या पास्ता, तो मैं इसको बेचने वाला हूँ 2 में मिलता है, 3-4 ज्यादा मार्जिन नहीं कमाऊंगा मैं, $4। ठीक है, $4 कमाऊंगा मैं पास्ता के ऊपर। ये क्या है, आटा है ना, आटे पे मेरे को 4-5 रुपए का मिलता है समझ लो, तो इस पे मैं कमाने वाला हूँ 6 नहीं भाई 7 कमा लूंगा, क्योंकि 7 तो बिकी जाएगा ना। चलो $7 में बेचूंगा मैं आटा, ठीक है मतलब फ्लोर। और ये क्या है, अंडे, अंडे भैया अंडे, अंडे बेच देते हैं अपन, अंडे बेचते हैं 1.5 रुपए का, तो अपन बेचने वाले हैं भैया 3 रुपए का, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमाना, एकदम अमीर बनने की नहीं सोचना, धीरे धीरे कमाना। ठीक है, और ये क्या है, 1 रुपए का मिलता है ब्रेड, तो मैं इसको बेचने वाला हूँ 3 रुपए में। ठीक है, अब अपनी शॉप को कर देते हैं ओपन, यहाँ से हो जाएगी नहीं होगा, उस साइड से होगी शायद, बाहर के साइड से होगी। ठीक है, अबे होना ओपन। ठीक है, आ जाओ ग्राहक आ जाओ, भाई कोई आ ही नहीं रहा यार, कोई यहाँ रहता भी है, मैंने दुकान तो खोल ली है। ओके एक आ रहा है, अरे एक अंदर चले गया ए, बिना फालतू में, रुक जाओ ये खरीद रहा है कुछ ना कुछ खरीद रहा है। ओके काउंटर पर आया, मेरे को इसको बेचना है। ठीक है ओके, बिल बना दिया तेरा, पैसे दे दे। ओके इसको पैसे वापस करने मेरे को $1 करना है, ये ले जा, पाओ इजी $18 हो गए भाई। इसने कुछ खरीदा, मेरे पास $5 थे, ओए टकले कुछ खरीदा नहीं इसने, ये भूतनी का क्या, घूमने आया था दुकान के अंदर है, इसको मारू मैं, ताले आया था क्यों, अबे मैं इसके आर पार निकल जा रहा हूँ। अरे यार कोई आ जाओ भाई, प्लीज आ जाओ मेरी शॉप में आ जाओ भाई, अभी अभी नई नई दुकान खोली है यार, 2 ग्राहक आए उसमें से एक वापस चले गए पता नहीं क्यों। टकलू इधर दुकान है, अबे टकलू हाँ भाई चले गए ना, तो एक देता चमाट खींच के तेरे टकले में। अच्छा वो तो अंदर आ गया समझ रहा है, इसने खरीद लिया और सीधा बिल भी पे कर रहा है। चलो ठीक है, इसने पास्ता खरीदा, कितना वापस करना है, कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया भाई एकदम फिक्स पैसे लाया था, घर से सोच के आया होगा कि मेरे को पास्ता खरीदना है बस। आ जाओ यार और कोई आ जाओ, कोई लेडीज नहीं आ रहे यार, सारे जेंट्स खरीदने आ रहे, ये कौन सी बकवास हुई। अबे अंदर जा भाई, ऐसा लगता है कभी कभार बाहर जा रहा है, क्या खरीदेगा ये, अंडे खरीद रहा है, 2 पैकेट अंडे का खरीदा, इसको महंगा लग रहा है ब्रेड, अबे 3 रुपए का है भूतनी के, ये मेरे रेटिंग गिराएंगे, $4 देना इसको, 1 2 3 4 चल जा।
निकल, उतनी के महंगा बता रहा तू ब्रेड, एक थप्पड़ मार दूंगा। ओ ये टकला फिर से आ रहा है, ये खरीदा नहीं था इसने, तो भरोसा ही नहीं है मेरे को इस पर, ये कुत्ता है भाई, खरीदा ही नहीं, बिना खरीदे चले गया था कि ये खरीदा था सर, टी शर्ट वाले ने नहीं खरीदा, इसने तो खरीदा था। ओके इसने भी आटा खरीद लिया, बढ़िया भाई, चलो पैसे दे दो। ओके ये भाई फिक्स पैसे लाते हैं कुछ बंदे, बहुत ही प्यारे होते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं। ठीक है सुबह के 10 बज रहे हैं। ओके पहली लेडीज गाइस हमारे स्टोर में आती हुई पहली लड़की शायद ये हमारे सामान खरीदने आएगी हमारे स्टोर का। भाई वो बंदा अभी तक जा रहा था उधर, देखा आपने, ये भी जा रहा है। ओ इसका घर तो यहीं पर था, तभी तो ये पास में खरीदने आया मेरे स्टोर पे। अब तो भाई इनके मजे ही मजे यार, क्योंकि मैंने इनके पास में घरों के पास में एक शॉप खोल दी है जहाँ पर अभी पहचान नहीं है ना भाई। देख भाई खरीद लेना। अबे यार ब्रेड एक्सपेंसिव लग रहा है साला सबको, कितने में बेचूं फिर मैं, ₹2 में, $2 में, ठीक है अब तो सस्ता रहेगा ना। अब जाके देख ले उधर, हेलो मोहतरमा उधर जाके देख लो ना, सस्ता कर दिया मैंने, बट ये जाएगी नहीं, अब नहीं जाएगी, ये मेरी रेटिंग गिरा के जाएगी कुत्ती। छोड़ो गाली नहीं देना किसी को, ग्राहक भगवान का रूप होता है पता है ना तुमको। ओके यहाँ पर कोई डस्टबिन वस्टबिन पड़ा है, अच्छी बात है। जो कि ये फिर से आ गया है, ये तो अभी पास्ता खरीद के ले गया था, इसकी वाइफ ने बोला होगा और कुछ चीजें खरीद के ला बोला होगा क्यों है ना, इसीलिए आया ना तो वापस साड़े भुतनी के अंदर जावे। भाई यार मेरा कुछ काम नहीं, ज्यादा पैसे नहीं बना पा रहा हूँ मैं। ओके दो ग्राहक आ गए अब तो, नहीं भाई एक ही आया, दो आ गए, बढ़िया खरीदो भाई खरीदो जल्दी जल्दी सामान। ब्रेड खरीद लिया फाइनली गाइस, चलो किसी ने तो ब्रेड खरीदा फर्स्ट टाइम, $6 वापस करने जा। चलो तूने क्या खरीदा? ओके अंडे और ब्रेड खरीदा, पैसे दे $5 देने तेरे को वापस, चल निकल। चलो और कोई आ जाओ भाई, बढ़िया इनकम हो गई है, सामान भी तो पड़ा है हमारे पास, चलो ठीक ठाक कमाई हो रही है अभी तक। लड़की अंदर जा, और कोई आ जाओ यार, इधर से कोई नहीं आ रहा, इधर से भी कोई नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और ब्रेड खरीद ले, सस्ता है, हाँ खरीद ले, 2-3 पैकेट खरीदना बाबू, एक पैकेट से क्या ही होगा, आटा और ब्रेड ले जा रही, पैसे दे $4 देने तेरे को, 1, 2, 3, 4, चलो जाओ भाई, मेरे को लॉस नहीं उठाना है ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से काम करना है। और ये लोग जा रहे हैं। ओके एक और ये आ गए, ये अच्छा ये ब्रेड को ठुकरा के गई थी ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरी दुकान का रास्ता देखेगी, फिर से आ गई रे, तेरे को डाटा होगा तेरे हस्बैंड ने, मेरे लिए ब्रेड लेके आ, देखना ये ब्रेड खरीदेगी शायद, मेरे को लगता है जा रही है, बट नहीं यार अंडे खरीदा इसने, अंडे खरीदे, मेरे को लगा ब्रेड खरीदने के लिए इसके हस्बैंड ने बोला जा लेके आ, मारूंगा तेरे को करके। चलो बढ़िया अच्छी बात है भाई, $71 हो चुके हैं मेरे पास अभी, $100 से मैंने ये शॉप की स्टार्टिंग करी थी गाइस, और अभी तक मैंने कमाया सिर्फ इतना, और सामान भी मेरे पास है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया ठीक है। ये देखो सामान अभी पड़ा है मेरे पास, अभी तो ग्राहक आएंगे ना, एक ये आया है, चल भाई अच्छे से खरीद ले, चल 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 भाई, क्या ही तो बनाया इसको 3D, चलो चलो देखते हैं भाई कितना सामान खरीदता है ये। अबे खरीद ले सब कुछ, सस्ता सस्ता मैं बेच रहा हूँ, बहुत सस्ता बेच रहा हूँ मैं, चलो लाओ सामान। ओके भाई आटा बहुत खरीदते हैं लोग दुनिया, $0, $0, $0, चलो ठीक है भैया ये गया खरीद के, बहुत ही बढ़िया। एक और आ रहा सूट बूट वाला, इधर से तो कोई भी नहीं आ रहा, इधर से आ रहा है बस। भाई यहाँ पर हम नाम लगाएंगे एकदम तगड़ा वाला, भी रुक जाओ जरा पैसे कमाने दो, पहले थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने दो, तब काम पैसे का। भाई आटा खत्म हो गया यार मेरी शॉप में, आटा खत्म हो गया, पास्ता के भी 4 ही पैकेट बचे हैं, अगर ये खरीद के ले जाता है 2 पैकेट तो फिर तो खत्म ही, पास्ता खरीद रहा है ये ठीक है। ओके पास्ता खरीदा बस इसने, $2 वापस चाहिए तेरे को ठीक है, चाहिए नहीं मैं दूंगा, चलो ठीक है भाई बिना पैसे लिए जाते भी नहीं। रुको कंप्यूटर से और खरीद सकता हूँ मैं, मेरे को चाहिए ये ऑयल भी दे दो यार अब तो, बट पूरा पैसा ही चले जाएगा इसमें तो मेरा, और ये 95 अमाउंट इतना बना है, और नहीं भाई ज्यादा हो गया, रुक जाओ रुको यार दो चीज कैंसिल करने दो, 77 ना ठीक है ये ऑर्डर कर देते हैं। भाई क्या बुला लिया मैंने, कुछ तो बुला लिया ठीक है, और ये बंदे ने कुछ खरीद भी लिया, पास्ता खरीदा पैसे दे, $1 वापस करना है इसको ठीक है। जाओ मैंने कुछ सामान ऑर्डर करा, देखते हैं क्या है वो। ओके ये क्या पास्ता और ब्रेड, ब्रेड तो अपन ने पहले से प्राइस फिक्स कर रखा है इसका, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। भाई ये रखते क्यों नहीं बन रहा था, अभी तो रखते नहीं बन रहा था, मैं रख रहा था। रुक जा भाई तेरा मैं कर रहा ना बिल, रुक जा जरा ठीक है, पहले बिल कर देते भाई, कहीं ग्राहक नाराज हो गए रेटिंग गलत देके चले जाए ठीक है, दे दे $1 वापस करना है ठीक है, जा थैंक यू बड़ी। लाइट है क्या मेरे बटन प्रेस, ओके लाइट है, चलो शाम के 6 बज चुके हैं बढ़िया तरीके से। और ये क्या ब्रेड, अबे ब्रेड के 2-2 पैकेट ऑर्डर कर दिए मैंने, ये तो गलत किया मैंने, बहुत ज्यादा ब्रेड ऑर्डर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं भाई इसको और महंगा लगा कुछ चीज, बताओ इस भूतनी वाले को। अच्छा ये ऑयल मैंने नया अभी परचेस किया ना, ये पहले नहीं था मेरे पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि ऑयल तो सबको लगता है ना भाई, ये लेडीज आ रही ना, लेडीज के आने से पहले मैं ऑयल का प्राइस लगा देता हूँ ठीक है। ये 5 में मिल रहा था, मैं इसको 7 में बेचूंगा, नहीं भाई 6 में बेचता हूँ, ज्यादा लालच नहीं करता हूँ ठीक है। वो खरीद रही है, खरीद रही है, खरीद लिया इसने, खरीद लिया ऑयल, खरीदा ब्रेड, खरीदे और खरीद ले, और खरीद ले कुछ और खरीद ले, नहीं ऑयल ही खरीदा उसे, चलो ज्यादा कुछ नहीं इनकम हो रही। बट ओ भाई ये क्या बकवास है, इतना ज्यादा तुमको छुट्टा चाहिए, अरे लड़कियों को कोई माइंड ही नहीं रहता भाई। आटा खत्म मेरी शॉप में, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आटा खत्म हो गया, मैं दूसरे दिन परचेस कर लूंगा, ये कर सकता हूँ। क्या चीज इसको महंगा लगा बे, भाई दे दो यार ये प्लीज, 39 आएगा ना, खरीद सकता हूँ ना इतना में, ठीक है खरीद लिया मैंने, खरीद लिया, कोई ग्राहक नहीं आया ना, बढ़िया कोई नहीं आता भाई, आई 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 आई, ये आटा रख देता हूँ उससे पहले ताकि ये खरीद ले, कभी खरीदना हो तो, पता नहीं खरीदेगा ही नहीं। बट गाइस एक दुकान चलाना देख रहे हो कितना मुश्किल होता है भाई, इसीलिए किसी भी दुकानदार को हंसना नहीं कभी भी ठीक है। ये खरीद रही है बढ़िया भाई यार, ये कैसा टॉप पहन के आई है, गंदी बात होती है, दुकान में ऐसा पहन के आओगे तो मैं फ्री में सामान दे दूंगा, असली हो रहे हो लोंडे, चलो ठीक है जाओ मोहतरमा जाइए।
ओके okay, पास्ता खत्म हो गया मेरी शॉप पर। पास्ता चाहिए मेरे को, पास्ता खरीदना पड़ेगा, बट पास्ता का रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई जा, पास्ता खरीद सकता हूँ क्या? नहीं भाई, रात के 9 बज चुके हैं। ओके okay, रात के 9 बज चुके हैं गाइस। मेरे को लगता है अब मेरे को दुकान बंद करनी चाहिए। चलो क्लोज कर देते हैं अपनी दुकान को, क्लोज। ठीक है, अब ना सेटअप देख लेते भाई अपने को क्या क्या चीजें खरीदना चाहिए। वैसे मेरे पास पैसे हैं $24, कमाई तो भैया कुछ भी नहीं है। फ्लोर मिलेगा? नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा मिल रहा है, तो चलो छोड़ते हैं अभी, नहीं खरीदते। ओ पास्ता खरीद लेता ना, पास्ता खत्म हो गया वैसे भी। पास्ता ऑर्डर कर सकता हूँ क्या अभी? आई थिंक नहीं, कल सुबह करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो अभी का गाइस हमारा ये फर्स्ट डे, ठीक है, सुपरमार्केट सिमुलेटर में, और मैंने दुकान भी बंद कर दी है, गेट बंद नहीं होता। चलो तो एंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जस्ट इंटर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड करते गाइस फर्स्ट डे। और सेटिस्फाइड कस्टमर हुए थे 14, प्रोडक्ट नॉट फाउंड 1, ठीक है, प्रोडक्ट फाउंड एक्सपेंसिव 4, 4 को महंगा लगा, टोटल कस्टमर 19 आए थे, बढ़िया। तो स्टोर लेवल इतना हुआ, इनकम इनकम करी मैंने भैया, बहुत ज्यादा इनकम करी पे, बहुत ज्यादा इनकम करी। चलो ठीक है, बैलेंस बचा है मेरा $24। डेली एक्सपेंस एक्सपेंस बिल टूडे, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया भाई। अट भाई ये कौन सी बकवास बात हुई, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से भरूं मैं? मैनेजमेंट बिल्स, रेंट वेंट भी देना पड़ता भाई, लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। अरे भाई ग्रोथ हायर भी कर सकते हैं हम, मतलब बंदे भी लगा सकते हैं अपने पास काम करने के लिए। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो मार्केट से खरीदना है ना, लेकिन उससे पहले, खरीदने से पहले अपने पास पैसा भी तो होना चाहिए, तो दुकान चालू कर देते हैं, जितना सामान है उसको बेचते हैं दूसरे दिन में। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ रे, कोई तो आ जाओ। ओके फर्स्ट कस्टमर हमारा लेडीज भैया, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए आराम से, आइए परचेस कीजिए। परफेक्ट चेकआउट 17, ठीक है, देखते हैं भाई क्या खरीदते हैं। जैसे पैसे हो जाएंगे ना, मैं आटा ये खरीदने वाला। फ्लोर अबे आजा, कितनी दूर है मेरी शॉप तेरे घर से? ठीक है आ गई, और कस्टमर नहीं आ रहे, ये आइए बस। अंडे खरीद रही है, अंडे के 2 पैकेट उठा उसने, तीनों पैकेट उठा लिए। भाई ब्रेड भी खरीद ले, सस्ता है ना भाई ब्रेड, मैंने बहुत सस्ता रखा, 3 पैकेट ब्रेड भी। अब ये भी खरीद लेती यार, भाई इसने खरीदा है बट इतना ज्यादा भी नहीं खरीदा। एक खत्म हो गया मेरे पास, ठीक है, $1 वापस करना है इसको। ठीक है जाओ, अब मेरे पास हो गया 39, ठीक है, आटा खरीद लेता हूँ मैं अभी, एक खरीद लेता हूँ पहले 2 पैकेट। ठीक भाई, ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो ज्यादा महंगा हो जाएगा, 2 पैकेट खरीदता हूँ, 34 आ जाएगा, परचेस करते हैं सीधा। ठीक है, अरे क्या ले लिया तुमने, दे दो पैसा दो भाई। ये ऐसे में फिर गड़बड़ होती है ना, $43, $1, $2, $3। ठीक है जाओ, ऐसा ना परचेस करा करो यार, पूरा एकदम फिक्स रेट दिया करो, ठीक है, बट $4 देना। ठीक है जा, चलो मैं इधर से जा सकता हूँ बाहर, बिल्कुल ये अपना प्रोडक्ट आ चुका ना, इसको ले लेते। एक सुबह के कितने बजे हैं, बट ग्राहक आया मेरा, आया आया आया, आ जा मेरे बाबू। ठीक है ओके गाइस, तो एक ग्राहक आ रहा है मेरे पास, $1 बचा है। अब $1 में मैं कुछ खरीद भी नहीं सकता ना, छोड़ देते हैं अभी, अभी हमारे पास थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी। चलो देखते हैं, आटा खरीद रहा है ये, अबे खरीदा नहीं इसने, अच्छा खरीदा खरीदा है भाई, अंडे पूरे खरीद लिए यार इसने, बढ़िया बाबू, अंडे खरीदने पड़ेंगे मेरे को। अब कितने डॉलर देगा तू मेरे को? 0 वापस करने, 7 वापस करना, तो 1, 2, चल जा, $24 हो गए ना। अंडे कितने में मिलते हैं? अंडे 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 $17 में। ठीक है ये परचेज कर लेते हैं भैया, क्योंकि ख़त्म हो गया अपनी शॉप पर, तो अंडे ले लेते हैं, क्या भरोसा कोई खरीदने आ गया तो। ठीक है आ रहा हूँ, एक सेकेंड ना, वेट कर ले वेट कर ले, मैं तेरे लिए ला रहा हूँ, अगर तेरे को एक चाहिए हो तो वापस आना जल्दी से। इनका रेट तो पहले से रखा हुआ ना मैंने, तो रेट रखने की तो ज़रूरत नहीं है। अबे ज़्यादा वेट भी नहीं करवाना चाहिए, तो ग्राहक नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा साले कब से खड़ा हूँ मैं। चलो ठीक है पैसे दे, चल जा, थैंक यू। चलो भाई लड़की गई है, पास्ता ख़त्म हो गया, पास्ता ख़त्म हो गया भाई, इसने बहुत कुछ खरीदा है, पास्ता ख़त्म हुआ पास्ता। ठीक है $18 देने, तो 1, ठीक है जाओ, पास्ता ढूंढो पास्ता ढूंढो, पास्ता परचेस कर सकता हूँ क्या मैं? पास्ता का पैकेट कहाँ है ये रहा, कर सकता हूँ ना $19 में, तो आराम से कर सकता हूँ। ठीक भाई यार, कितना फास्ट काम करना पड़ता है एक दुकानदार को। चलो जाओ जल्दी से, मेरा सामान भी आ गया होगा, उसको मैं लगा देता हूँ पास्ता का पैकेट। पास्ता ख़त्म हुआ, आटा भी ख़त्म होने में, भाई 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 आटा खरीदना पड़ेगा, आटा बहुत महंगा है, बट खरीद नहीं सकता अभी मैं उसको, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। आटे का एक भी पैकेट खरीदा नहीं है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अंडे खरीदे, तेल खरीदे इसने, बढ़िया पैसे दे, $1 वापस करना है इसको, चल जा। ओके $40 में तो मैं खरीद सकता हूँ ना आटा इजीली, आई थिंक हाँ 39 में खरीद सकता था। चलना परचेस क्यों नहीं हो रहा है? अबे यार अबे परचेस क्यों नहीं हुआ, समझ में नहीं आया मेरे को, पैसे देना जाओ बाबू। 55 हो चुके, अब तो परचेस हो ही जाना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है GST वेस्टी लगा रहे हो क्या भाई? क्या महंगा लगा, अंडे महंगे लगे बताओ इसको, ये मैं एक थप्पड़ मारूंगा ना तेरे को मैं।
कुछ खरीद ले, नहीं तो हाँ कुछ खरीदा, नहीं तो मैं अभी थपड़ा देता तेरे को। अंडे महंगे लग गए, मुंह देखो उसका कैसे लटका के जा रही है। हाँ नहीं तो भाई मुंह लटका के जा रही है, दुकान चला रही है कि क्या, मजाक चल रहा है। पास्ता खत्म फिर से नहीं, पास्ता है, $1 वापस करना। ठीक है जा, क्या खत्म हुआ है? कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सारी चीजें हैं अभी तो मेरे पास। ठीक है, और ये क्या है भाई, कितने में पड़ेगा ये मेरे को? 47 में पड़ेगा भाई, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है भाई। ये खरीद लेता हूँ एक और 19 का, $9 बचे बस मेरे पास। ओके एक अंकल आ चुके हैं दुकान में, कोई बात नहीं, पास्ता का एक और पैकेट में लगा देता हूँ यहाँ पर जल्दी से इसको। ओके ओके भाई, इसके कम पैकेट आते हैं, मेरे को ऐसा क्यों लगता है पास्ता के कम पैकेट मिलते हैं भाई, ऑयल ऑयल बहुत सारा मिला था। चलो अंडे लिए भाई अंकल ने, अंडे खाएंगे अंकल, टक लो अंकल। ठीक है जाइए, नेक्स्ट वुमन दे दो, पैसे दे दो, $1 वापस करना है। चलो जाओ, बहुत ही बढ़िया दुकान चला रहा है बाबू। हम टाइम हो चुका है, दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारे पास $39 हो गए। $39 में ये मिलेगा क्या? कितने में मिल रहा है? 47 में? ये क्या है ऐसा भाई, महंगा आइटम है। कौन सा लाइट चालू कर दे दिन में ही। ओ बढ़िया दिख रही है हमारी शॉप, देख रहे हो टकले का टकला चमक रहा है। अच्छी दुकान चलाएंगे तो भैया अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। चलो ले एक ब्रेड का पैकेट लेने आ रहा है भूतनी, क्या आज साला इसको खुलना कितना ज़्यादा चाहिए। 8 चाहिए ना, तो 1 2 3 8। हट भाई, ऐसा लफड़े वाले आते, टकले तेरी टाल की तरह तू भी चमक जाता तेरा। ऑब्जेक्टिव परचेस लाइसेंस, ओके लाइसेंस परचेस करता हूँ मैं, अभी पैसा तो कमाने दो पहले, उतना पैसा ही नहीं कमाया मैंने अभी, ये लाइसेंस परचेस कर लूँ। ठीक है $6 वापस देना, ये ले चल जा। अब भाई ये खरीदता हूँ मैं, पता नहीं ये क्या है, बढ़िया खरीदता हूँ मैं। ठीक है, अबे खरीदा ना मैंने, खरीदा ना मैंने, ये आया क्यों नहीं मेरे वॉलेट में? अच्छा ज़्यादा हो गया क्या लिमिट वाइज? अबे हटाओ पहले इसको, अरे दे रहा हूँ ना एक सेकंड भैया। 47 परचेस डन। चलो वो जो भी चीज़ है, और भाई इसने बहुत कुछ खरीद लिया। अरे चलो, अरे वाह ऐसा भाई है, ये पहले से घर से पैसे हिसाब करके लाना चाहिए। ठीक है चौकोस है क्या है इसको, यहाँ लग जाएगा ये? बढ़िया लग जाएगा। ठीक है इसका प्राइस सेट करने के लिए मेरे को पहले इसको पिक करना पड़ेगा और इसके बाद में इसका प्राइस सेट कर दूंगा मैं। कितने डॉलर का बिकता है ये? 3 4 डॉलर का बिकता है, 4 का बिकता है तो मैं इसको बेचूंगा 7 में, है ना? 7 में बेचता हूँ, नहीं भाई 3, हाँ 4 का बिकता है तो $3 तो कमाना चाहिए ना भाई, $3 तो बनता है भाई, खरीद भी लिया बताओ। हाँ ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, साला बिजनेसमैन वाला आइडिया लगाना पड़ेगा अपने को। ओके 45 है मेरे पास, और किस चीज़ की कमी पड़ने वाली है? आटा, आटा चाहिए अपने को, आटा खरीदो। ठीक है के आ रहा हूँ बाबू, रुक जा एक सेकंड रुक जा। ठीक है एक सेकंड रुक जा, मेरे को थोड़ा सा सामान जमा देने दे। ठीक है ये रख दिया मैंने आटा, इसको यहाँ फेंकते डस्टबिन में। अबे भाई चिंता मत कर यार, ज़्यादा नाराज़ नहीं होने का, ठीक है रेटिंग वेटिंग नहीं गिराने का अपनी शॉप की। अबे यार इतना ज़्यादा इसको छुट्टा देना पड़ेगा, 96 देना है, ले जा दूसरा। अबे टकलू ने बहुत कुछ खरीदा, अबे बस इसका रेट बढ़ाना पड़ेगा मेरे को लगता है ब्रेड का। चल जा, ये तो कुछ नहीं खरीदता भाई, ये बदतमीज बंदा है, अंडे खरीदा फिर भी। ठीक है जा भाई, थोड़ा बहुत ना रेट बढ़ा देता हूँ मैं, रुको कंटिन्यू करते हैं और रेट बढ़ाते हैं सामान का, इतना सस्ता नहीं बेच रहा मैं। $1 का मिलता है ना तो इसको मैं बेचने वाला हूँ 2.5 में, 2.5, अबे साला 5 पॉइंट कर दिया मैंने डिलीट, 2.5 में बेचने वाला हूँ डॉलर। हाँ ये सही प्राइस है क्योंकि भाई 50, चलो कुछ भी कमी हो तो कमी कमी होती है। ठीक है जा यार भाई, इतने लंबे लंबे नोट ले जाते भाई भाई भाई, ये खरीद रही है खतरनाक, ये बहुत देर की जाएगी मेरे को देखो। अरे नहीं यार इसने तेल खरीदा भाई, तेल मेरे को भी खरीदना पड़ेगा, मेरी शॉप में ख़त्म होने वाला है, रुक जा तेल खरीदते हैं। हाँ तेल की बोतल क्या होंगी, 55 में मिलती है भाई, बहुत महंगी है भाई, अभी नहीं परचेस कर सकता क्यों? अच्छा कुछ पैसे नहीं है मेरे पास, थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं मेरे पास। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, एक ग्राहक आ जाएगा तो काम पूर्ति कर देगा तेरी तो बस, बट शाम के 9 बजे बाद हम परचेस नहीं कर सकते। अबे खरीद ले प्लीज़, क्या महंगा लग रहा है इसको, अंडे महंगे लग रहे हैं बताओ, वो मैंने ब्रेड अभी महंगा किया वो महंगा नहीं लगा इसको, अंडे महंगे लग गए बताओ। कितने देने? 47 देने, एक थप्पड़ मार दूंगा तेरे को। ठीक है जा,
खरीद सकता हूँ ना 9 बजे के पहले मैं खरीद पाऊंगा, नहीं तो नहीं खरीद सकता मैं। ठीक है खरीद लेता हूँ खरीद लेता हूँ खरीद लेता हूँ। तो जल्दी 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 9 बजने वाले, बढ़िया खरीद लिया। अब बॉक्स तो आ गया होगा ना, ठीक है सुबह जल्दी से दुकान ओपन कर देंगे तो ज़्यादा कमाई हो जाएगी अपनी। ठीक है 97 देना है। ये यार ऐसे बड़े बड़े नोट ले आते हैं ना, दिमाग ख़राब करते हैं भाई। 97.50 ये ले चल। ठीक है पैसा दे, $1 वापस। ये बढ़िया ऐसे सामान खरीदो रे भाई, ये बढ़िया। चलो $23 का प्रॉफिट हुआ है और मेरे पास सामान की कोई भी कमी नहीं है अभी तक। वो ऑयल की कमी हो गई है भाई। अच्छा ऑयल मैंने बुलवा लिया है, ये रहा ऑयल मैंने बुलवा लिया पहले। ठीक है बढ़िया, अब सारी चीज़ें परफेक्ट है भाई, सारी चीज़ें परफेक्ट है दुकान में, सामान वामान बहुत बढ़िया है। और ज़्यादा ही नाइट हो चुकी है, मेरे को नहीं लगता अब कोई ग्राहक आएगा, ये दो उधर जा रहे हैं। ठीक है गाइस तो ये एंड करते हैं आज का दिन। ठीक है सेकेंड डे, 18-23 कस्टमर आए थे, 18 सेटिस्फाई हुए, बढ़िया $25 है कमाई करी आज हमने। ओपन कर देते हैं, चलो जल्दी से ओपन कर देते हैं सारा आइटम। अंडे परचेस कर लेता हूँ मैं, अंडे परचेस कर लेता हूँ मैं। अंडे कितने में परचेस होते हैं, 19 के ना। ठीक है 19 के होते हैं, आ जाओ अबे परचेस हो जा। ठीक है अंडे परचेस कर ले क्योंकि अंडे ख़त्म हो गए थे मेरे शॉप के अंदर, सबसे कम वही है ना अभी, बाकी तो सारी चीज़ें हैं भाई परफेक्ट, भरपूर मात्रा में है मेरी शॉप के अंदर, बढ़िया। चलो ये गया, इसको फेंक दिया मैंने। और वाह, अरे वाह मेरे जान वाह। ठीक है दे दे पैसा दे। ओ कितना है, $1 वापस करना है तेरे को, चल जा निकल। $17 भाई, देखते हैं ना इतने सामान से हम कितनी कमी कर पाते हैं, क्या हम वापस से $100 इकट्ठे कर पाएंगे, क्योंकि $100 से गए हमने दुकान स्टार्ट करी थी। ठीक है मतलब हमारी शॉप की शुरुआत करी थी। और एक बहुत खरीद रहे, 2 पैकेट खरीदा इसने भी, चलो ओके। अरे महंगी चीज़ भी खरीदी है इसने, बढ़िया। ये देखे जाएगा भाई, $17 से अच्छा खासा डॉलर कमा के जाएंगे। ये लो 44 हो गए, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज़ है भाई। ठीक है अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदो भाई, जल्दी जल्दी खरीदो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जा पास्ता खड़ा, आटा उठा ले, ये उठा ले, सब कुछ उठा ले, तेरे लिए तो रखा है मैंने, उठा लो भाई जो रखना है वो ले जाओ। चलो जाओ 68, क्या लगता है गाइस मैं $100 कर लूँगा इतने सामान में? ठीक है इतना सामान बेच देंगे गाइस, $100 कमा लिए समझ लो। और हमारी शॉप के अंदर सामान भी है तो बहुत सक्सेस है, हमें मिल चुकी है 3 दिन के अंदर। ठीक है ये तीसरा दिन चल रहा है अभी तक अपना, चलो काफ़ी है कितना। अबे यार इतना बड़ा नोट काहे लाते हो भाई तुम, 94 देने, चलो जाओ ओके। ये खरीदो, हाँ ये खरीदो, बहुत महंगी चीज़ है वो, और ख़रीद ले कुछ भाई। हो गए $100 शायद, कन्फर्म 92 वाला यार। चलो कोई ना, ये ख़त्म ना होना चाहिए भाई, ये ख़त्म हुआ तो मैं परचेस करूँगा। और ये बहुत महंगा मिलता है, 54 का मिलता था। अरे आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू लोग, आ जाओ आ जाओ मेरे जाने मन। अरे ये जाने मन नहीं हो सकती भाई, ये कुछ ज़्यादा ही जाने जा। अरे ये दोनों सेम थी, देखो 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 देखो, ये भी सेम थी ये भी सेम थी। ओ ग्राहक बढ़ गए यार, अब ज़्यादा ज़्यादा ग्राहक आते हैं, लेडीज़ भी बढ़ गई है मेरे यहाँ पर आना। हाँ लेडीज़ बढ़ गई है भैया, लेडीज़ की मात्रा बढ़ चुकी है हमारी शॉप के अंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों लेडीज आ चुकी है, फटाफट से खरीदो, जल्दी जल्दी खरीदो। अबे दोनों उधर का, अच्छा ये 1 पैकेट 2 पैकेट तीनों खरीद ले। नहीं नहीं पास्ता उठाया उसने, ये तो सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट उठा रही है, बढ़िया यार खुला ज़्यादा चाहिए तुमको। ठीक है और 50 पैसा, जाओ क्या खरीदा तूने, बढ़िया चीज़ खरीदी है, अच्छी चीज़ खरीदी तूने, मेरा $100 हो गया आई थिंक ओके। $113 कमा लिए गाइस, देख रहे हो मैंने $100 से स्टार्ट करा था गाइस, सामान खरीदा फिर सामान बेचा और इतना सारा सामान अभी मेरे स्टोर के अंदर है भाई, देख रहे हो। इसलिए गाइस वक्त लगता है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। ठीक है तो ये दिन हम कंप्लीट करते हैं, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। चलो तो हमारे पास जो भी कंप्लीट काम है तो उस परचेस कर लेते हैं उन चीज़ों को, आटा परचेस कर लेते हैं, कर सकते हैं ना आराम से। $78 का, बढ़िया। मतलब गाइस हमने ग्रो तो करे है, ग्रो तो करा है। ठीक है जा भाई तू, मेरे को सामान भी रखना है मेरे स्टोर के अंदर, ये ख़त्म हो गए चीज़ें। चलो इसको यहाँ पे पटक देते हैं, अरे हाँ रुक जा, बेल बजा देते भाई जैसे इनका काम होता है, जैसे इनका परचेस करना हो जाता है ये बेल बजा देते हैं फटाक से, ये अच्छी बात है। ये ख़त्म हो गया ना इसलिए रखना पड़ेगा, ठीक है रख देते हैं सारे के सारे, ओके बढ़िया। ठीक है इसको फेंक देते हैं, अब मैं बिल बना देता हूँ तुम्हारा, रुक जाओ ना 1 सेकेंड। चलो दे दो, 1 बोतल तेल की खरीदी तूने, बहुत बढ़िया पैसा अच्छा तू लाए थे रेश, ओके बढ़िया खरीदा तूने। और ख़रीद ले मैं ले आया हूँ वापस से, $3 देना और। ठीक है जा, क्या महंगा लगा, कुल नॉट फाइंड चिकी पिक्स, अबे अच्छा वो ही कम पड़ा उसको,
अब देख लेता, अब जरा मुंह घुमा के वापस मैंने रख दिया था वहां, रख रहा था, इतना तैमल नहीं है तेरे को, चल जा निकल। ठीक है भाई, पैसा तो कमा लिया मैंने अच्छा खासा। पास्ता खरीद लेता हूँ, पास्ता खरीद लेता हूँ, पास्ता खरीद लेता हूँ, मेरे को लगता है नहीं तो पास्ता कम पड़ जाएगा। ठीक है, ये खरीदेगी, तब तक मैं आराम से पास्ता के पैकेट रख दूंगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ कम पड़ती है ना तो भाई फिर हाँ ये ना रेटिंग गिरा देते हैं, अपनी शॉप की रेटिंग गिरा देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा खराब बात है, जो कि बहुत ही खराब बात है। दे दो, क्या खरीदा तूने? आटा खरीदा, दे पैसा दे। ओके चल निकल। अरे वाह, ये ऐसी चीज़ें खरीदो यार, बहुत सही बहुत सही। क्या और रखना है मेरे को? सारी चीज़ें हैं ना मेरे पास। ऑयल, ऑयल खरीद नहीं सकता, लेकिन मैं ऑयल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 54-53 है। अंडे खरीद लेता हूँ, और ब्रेड एक और खरीद देता हूँ, और ये खरीद देता हूँ, कितना हो जाएगा? 48, 48.8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक ग्राहक को निपटाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जा ग्राहक बाबू, आ जा। चलो पैसे दे दो, 33 देने तेरे को, 10 और 3, जा। ठीक है गाइस, अब परचेस कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना पैसा हो गया मेरे पास। अरे रुक जाओ यार, थोड़ा सामान परचेस कर रहा हूँ मेरी शॉप के लिए। ठीक है, परचेस कर दिया। ओके बाहर चलो, एग्जिट। क्या खरीदा तूने? अरे यार ये बहुत खरीद रहा है आजकल, ठीक है इसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा ज़रा। चलो बाकी का सामान लगा देते ख़त्म होने से पहले। पास्ता तो मैंने और ऑर्डर कर दिया यार, अभी तो मैंने बुलवाया था, बट ख़त्म हो जा रहा है, बहुत खरीद रहे हैं लोग दुनिया, पास्ता बहुत खरीदते हैं, पता नहीं क्यों बट खरीद रहे। ब्रेड रख देते हैं, ठीक है। अरे अंडे किसको महंगे लगते हैं यार, बार बार इतने सस्ते मैंने रखे हैं, फिर भी 3 रुपये का एक अंडा दे रहा हूँ मैं भाई, 5 रुपये का एक मिलता है हमारे यहाँ पर, उनको पता नहीं है अभी। चलो ये अंडे यहाँ पर रख देते हैं। ओके काफ़ी होंगे आई थिंक। ओके बढ़िया, रुक जाओ है ना, तुम्हारा बिल बना रहा मैं ना। शाम के 5 बज गए भाई, काम करते करते थक गया मैं। अरे एक ही चीज़ खरीदी तूने, क्या चाहिए तेरे को? $1 चाहिए, चल जा। क्या खरीदा भैया? अरे ये बहुत खरीद रहे वे, कितना डॉलर? 80, 70, 80, 86, ये ले जा। रुक जाओ गाइस, लाइट चालू करने दो मेरे को, मेरी शॉप की लाइट चालू करने दो। चलो अब आ जाओ चमक धमक वाले ग्राहक। ओ आई थिंक ऑयल ख़त्म होने में है, मेरे पास ऑयल ख़रीदना था मेरे को, बट पैसा नहीं है इतना। कितना चाहिए तेरे को? $4, 1, 2, 3, 4, जा निकल। $1 वापस, चलो ठीक है। देख लेता ना ऑयल की बोतल है तो सही, बैठी सब कुछ है भाई, परफेक्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है गाइस हमारा दुकान का काम। आज के दिन गाइस हम शायद मेरे को लगता है $100 कर देंगे, और इतना सारा सामान शॉप में भरा है भाई, सिर्फ $100 से दुकान की शुरुआत करी थी, और आज देखो भाई। अबे यार थोड़ा महंगा खरीद लेता था कुछ अच्छा, 47। चलो दिस इज क्या बोल के गया भाई, ये रेटिंग गिरा गया मेरी शॉप की, कुछ बोला उसने? अरे वाह ये अच्छा खरीदा है, बहुत बढ़िया, $100 होने में काम करेगी मेरे, $7 देने इसको। ठीक है जाओ, और 99 हो के, देख रहे हो गाइस बहुत बढ़िया चल रही है हमारी शॉप, बहुत ही बढ़िया चल रही है। पास्ता खरीद रहा है बंदा, आटा खरीद ले, ये खरीद ले, सारी चीज़ें खरीद ले ना भाई, यही खरीदना है तुझे, सब कुछ खरीद ले, पैसे दे। $1 वापस करने जाओ भाई, $116 हो गए, और मेरे पास सारा सामान भरा है गाइस अभी तक, बहुत बढ़िया दुकान चली है हमारी आज। और कोई आ रहा है क्या? आ रहा है, इतनी रात को भी परचेस करने आ रहा है, 8 बजे तो आते हैं ना भाई, 9 बजे बाद थोड़ा कम हो जाता है, बट अभी तो आएंगे ना। ठीक है आ जा, खरीद ले खरीद ले खरीद ले, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई बस कर ले, पास्ता पास्ता खरीदे जा रहा है। ठीक है ओके, ठीक है इसको दे देते सामान, दे दे पैसे, कितना? $1 वापस करना है, चल जा। अबे लड़की चिकी पिक्स खरीद ले भाई, पास्ता पास्ता खरीद ली, 4 पैकेट खरीद लिया उसने, अच्छा फ्लोर भी खरीदा, आटा भी खरीदा उसने। ठीक है भाई, ओ भाई $150, $58, $158 खरीद लिया, और मेरे पास सारा सामान भरा पड़ा है भाई साहब। चलो आज का ये तीसरा दिन भी एंटर करते हैं गाइस, ख़त्म, क्लोज़ कर देते हैं अपनी शॉप को, और चलो ख़त्म करते हैं भाई, देखते हैं कितनी कमाई करी हमने। ओ भाई बैलेंस देख रहे हो गाइस, टोटल कस्टमर 24 आए, और आज तो भाई मैंने आग लगा दी। ठीक है गाइस, तो 3 दिन के अंदर हमने कमा लिए गाइस $158, और तो और गाइस, तो गाइस हमने शुरुआत करी थी इस शॉप की गाइस सिर्फ
हाँ सुबह सुबह कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रो बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो गाइस हमने इस शॉप की शुरुआत करी थी सिर्फ $100 से, और गाइस अभी मेरे अकाउंट में देखो $158 पहले से पड़े हैं, और गाइस मेरे स्टोर के अंदर सारा सामान भी है। ठीक है गाइस, तो हमने 3 दिन के अंदर गाइस $158 कमा भी लिए वापस से, और तो और गाइस सामान भी रख दिया हमारी स्टोर के अंदर। ठीक है गाइस, तो इस एपिसोड को गाइस यहीं पर समाप्त करते हैं। गाइस ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो गाइस लाइक कर देना, नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी गाइस मैं आपसे मिलता हूँ गाइस और बाद में, और गाइस फिर से करेंगे हम कमाई, और गाइस शॉप को भी गाइस बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ी शॉप कर लेंगे, और गाइस 2-3 वर्कर भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ गाइस किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।